आर्यन खान ड्रग केस के मुख्य एनसीबी ऑफिस समीर वानखेड़े ने दो टिप के आधार पर 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में चल रही पार्टी के दौरान छापेमारी की थी। इस दौरान उन्होंने आर्यन खान सहित अन्य 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि आर्यन खान की इससे पहले 3 याचिका खारिज हो चुकी हैं और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है। ड्रग केस में एनसीबी की तरफ से समीर वानखेड़े एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोर्ट में उनके द्वारा इस केस को पेश किया जाएगा। वहीं हाई प्रोफाइल होने की वजह से उन्हें काफी दबाव बनने की बात भी कही जाती है रही, लेकिन एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने खुलासा किया कि इस केस को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा उन पर नजर रखी जा रही है और साथ ही उनका पीछा भी किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग एनसीबी पर उंगलियां भी उठा रहे हैं। इन सब के बीच वानखेड़े पर बनते दबाव को देखकर पत्नी सामने आई है। एक मीडिया से बात करते हुए मराठी एक्ट्रेस और एनसीबी ऑफिसर की पत्नी क्रांति रेडकर ने अपने पति का पक्ष लेते हुए कहा, दबाव को झेलने में उनके पति समीर वानखेड़े का कोई जवाब नहीं। उन्होंने हमारे देश के फ्रीडम फाइटरों से प्रेरणा ली है। उन्हें बचपन से ही उनके बारे में पढ़ाई की, इसलिए वे मानसिक रूप से काफी सशक्त हैं। लोग उनकी काफी इज्जत करते हैं और उन्हें सिंघम भी बुलाते हैं। क्रांति ने आगे कहा कि समीर के पिता भी एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। समीर जब भी किसी दुविधा में होते हैं तो अपने पिता से जरूर राय लेते हैं और मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पुलिस पर पीछा किया जाने का आरोप लगाया है। वानखेड़े ने महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर अधिकारियों से उसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि 2 पुलिसकर्मी उनका पीछा करते हैं।